हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाय डीएक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। आपको बेटा ये जो आपको एक्स की पावर एन जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसका फॉर्मूला दिया गया है, इसको आप कह रहे मैथमेटिकल इंडक्शन से आप प्रूव करके बताइए क्या ये आपके पास फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये आपके पास फॉर्मूला जो है ये प्रूव है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपने मैथमेटिकल इंडक्शन का जो चैप्टर है आपने क्लास 11th में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट करते हैं आप जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास पी एन, तो पी एन इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे अगेन आपने लेट करना है एन इज इक्वल टू वन, एन क्या है हमारे पास वन, तो यहाँ पे आ जाएगा पी वन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है वन एक्स की पावर वन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड, तो डी बाई डी एक्स एक्स का क्या होता है वन ही होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे वन, और हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं वन और एक्स की पावर जीरो, तो वो भी किसके बोला वन के, तो इट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई किसके राइट हैंड साइड के इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा, इक्वल आ गई तो विच इज ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, वी हैव टू एज्यूम दैट, सेकंड स्टेप हमारा ये होता है हम एज्यूम करते हैं, वी हैव टू एज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, जो पी एन स्टेटमेंट है वो भी क्या है आपके पास ट्रू है, कब जब आपके पास एन क्या है एम के इक्वल है। अब एम क्या था कोई इंटीजर था, अब एम भी क्या है वो भी आपके पास कोई इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया फंक्शन डी अपॉन डी एक्स, अब जहाँ पे आपके पास एन है वहां पे आप क्या ले लेंगे एम, तो एम इज इक्वल टू एम एक्स एम माइनस वन। ओके, इसको ले लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट यहाँ पे दैट वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो पी एन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, कब जब हमारे पास एन क्या है एन इक्वल टू एम प्लस वन है। ओके बेटा, तो हमारे पास है इक्वेशन डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एम प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस वन। अब जहाँ पे भी आपके पास एन है वहां पे आप क्या डालेंगे एम प्लस वन। ठीक है, दिया जाएगा और हमारे पास x की पावर है एम प्लस वन माइनस वन। ठीक है, दिया अब क्या क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ओके बेटा, तो आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एम प्लस वन। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है एक्स की पावर एम प्लस वन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई में एक्स, क्योंकि क्या है बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो वही हम कर लेंगे इसको इसमें चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये
डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई में एक्स। अब ये क्या हो गया, हमारे पास डिफरेंशिएशन चल रहा है बेटा एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई में एक्स, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस साइड आ जाइए आप, तो डिफरेंशिएशन आपके पास जो चल रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फर्स्ट फंक्शन, ये आपके एक्स के पार एम और एक्स है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपने ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ आपने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, मल्टीपल में आप कोई भी फंक्शन आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x की बार m है, तो ये क्या आ जाएगा, वही जो x स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लेते हैं, पार पहले आएगा m आ जाएगा आपका पहले x की बार, फिर m में से माइनस वन करेंगे, पावर में से आप क्या करते हैं माइनस वन करते हैं, वो आपने किया, प्लस x की बार m, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, तो ये वन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड बनानी है, ये आपको मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड, अब आपको ये राइट हैंड साइड यहाँ पे बनाना है इसे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास m है और यहाँ पे क्या है m नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे x है ये x है, तो क्या हम x जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हो रही है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम इस पार में प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि प्लस वन माइनस वन आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस वन माइनस वन, अब यहाँ पे पार क्या है वन है, तो एक्स की पार क्या हो जाएगा एम प्लस वन, ये वन, ठीक है, बेस सेम होती है पावर एड हो जाती है, वही मैंने किया, ठीक है बेटा, यहाँ पे पड़ा है एम और यहाँ पे क्या पड़ा है आपके पास, ठीक है, आपका ये कट हो सकता है वन वन, बट आपने काटना नहीं, क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्म में देना है आर एच एस में, इसलिए, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे m प्लस वन क्या आ गया कॉमन आ गया, सॉरी कॉमन ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में देना है ना, इसलिए हम पहले क्या लिख रहे हैं m प्लस वन, बट कॉमन क्या आया था x की पावर m प्लस वन माइनस वन, तो ये आप यहाँ लिख रहे हैं x की पावर m प्लस वन माइनस वन, आ गया आपका ये फॉर्म, आगे क्लियर है, ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ओके, तो हैंस आप लिखेंगे हैंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, ओके बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, उसी में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके आपका क्वेश्चन, थैंक यू।